अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग जैसे आपने टाइटल में देखा ही होगा कि रमज़ान अफ्तारी रेसिपी से मुतल्लिक है, और एक आप जो है वो वेजिटेबल्स देख रहे हैं जिनको मैंने काटना है। जो है यहाँ पे रखी हुई है मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए, वो चिकन बॉईल हो रहा है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बॉईल होती हैं, तब तक हम लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। हमारी जो मैक्रोनी है वो भी रेडी हो गई है, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स भी कट हो चुकी हैं। कुछ आप जो है वो लड्डू वगैरह भी देख रहे होंगे, वो आगे चल के आप के साथ शेयर करूँगी। और आप फिलहाल बनाते हैं स्प्रिंग रोल, क्योंकि मुझे स्प्रिंग रोल भी बनाना है, और साथ आलू के जो कटलेट्स होते हैं वो भी, और साथ मैक्रोनी भी बनाना है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग रोल बनाने से। अच्छा, स्प्रिंग रोल जो है वो बनाने के लिए भी मैं सबसे पहले डालूँगी ऑयल। आज जो है मैंने आपको सब्जियां दिखाई थी कटी हुई, वो कुछ मुझे इसके लिए चाहिए, और कुछ जो है स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, और इसके अलावा जो है वो कुछ सब्जी मुझे मैक्रोनी के लिए चाहिए। उसके साथ ही जो है चिकन श्रेड जो किया हुआ है उसको भी ऐड कर दूंगी साथ ही। प्याज डालना भूल गई थी, थोड़ा सा ये है कि प्याज का भी थोड़ा सा टेस्ट जो है इसमें आ जाएगा स्प्रिंग रोल में भी, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो है इसमें वन टी स्पून जो है वो मैं ये कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, और वन टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर। एक अपने जो है हिसाब से डालता है, जितना है काम ज़्यादा है कम करूँ। उसके बाद जो है वन टी स्पून ही ब्लैक पेपर। अब इन सबको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लूँगी। कुकिंग करने में मज़ा तो आता है, लेकिन ये कि बंदा सही रोज़े की हालत में थोड़ा सा थक भी जाता है। तो फर्स्ट टाइम मेरे जैसा बंदा अगर ये बनाए तो उसको पहली दफ़ा इतनी रेसिपीज बनाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश ज़रूर आती है, लेकिन है ये है कि मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। अब इसमें जो है चिली सॉस 2 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, उसके बाद जो है वो सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छे तरीके से जो हमें मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा स्प्रिंग रोल का जो बोलने मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये अपनी अपनी पसंद है कि आप अगर चाहें तो मज़ीद भी इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे सही इनकी शेप तो कोई नहीं देनी आती, बट जैसे भी दे जा रही है मैं उसे अपने अकॉर्डिंग इसको शेप दूँगी, क्योंकि बड़ी डिफरेंट जो है वो मेरे से शेप बन रही हैं। तो मैं वो यूँ रोल करूँगी, और उसके बाद इसको इस तरह से कर दूँगी। तो ये देखिए, पहले मैंने जो ट्राई कर रही थी वो मेरे से ये शेप बनी, फिर मेरे से ये शेप बनी, तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि ये वाली शेप दे लो, मेरे लिए आसान है काम। जी फाइनली हो चुके हैं हमारे रोल रेडी, तो जैसे तैसे भी थे मैंने बना लिए रोल। अब जो है वो मैं जल्दी से बना लेती हूँ जो है वो चिकन और आलू के कटलेट्स। ये आलू को मैंने मैश कर लिया था, उसके बाद हम इसमें जो है वो चिकन डाल देते हैं। चिकन के बाद जो है मसाले वो मैं डालूंगी कुटी लाल मिर्च। अच्छा, ये डाली जो है कुटी लाल मिर्च, और उसके बाद जो है वो मेरे पास जो जो भी मसाले हैं मैं उसी को ऐड करूंगी। इसके बाद जो है थोड़ी सी काली मिर्च, उसके बाद नमक जो है वो नमक के इसमें ऐड करूंगी। अच्छा, तो ये आलू के कटलेट्स जो हैं ये भी तैयार हो गए हैं, और इसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च जो है वो शामिल की थी, उसके बाद जो है चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया था, उसके अलावा सुर्ख मिर्च जो है वो ऐड की थी, और इसके अलावा जो है वो सोया सॉस और चिली सॉस था वो थोड़ा सा जो है वो मैंने ऐड किया था। उसके बाद फिर कटलेट्स बना के मैंने जो है फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिए। अच्छा, आप जल्दी जल्दी मैक्रोनी रेडी कर लेते हैं, और उसके लिए मैंने ऑयल में ही सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो मिक्स कर दी थी, और उसके बाद जो है मैंने जो बॉयल्ड चिकन था उसको भी ऐड कर दिया। तो ये कुछ देर पड़ा रहने की वजह से थोड़ा सा वो हो गया था, और लेकिन हैर इसको मिक्स कर लिए। फिर सुर्ख मिर्च जो है वो ऐड कर ली, इसके बाद जो है वो कुटी लाल मिर्च वो ऐड कर देंगे, और फिर मैंने क्या किया, फिर इसमें जो है वो काली मिर्च जो थी वो उसको ऐड कर दिया, और फिर इनको जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और नमक जो है वो ऐड कर दें जितना भी जो है वो टेस्ट हो, यानी कम तेज़ अपनी मर्ज़ी से। फिर चिली सॉस जो है वो ऐड कर दी मैंने, फिर विनीगर जो है वो ऐड किया, उसके बाद जो है मैंने सोया सॉस
ऐड कर दी और उसके बाद जो है मैक्रोनी ऐड कर दी और उसके बाद ये मज़ेदार मैक्रोनी रेडी हो गई। अच्छा जी, हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली थी रेडी, तो उसके बाद जो है अब बारी आ जाती है इन बॉक्सेस में जो है वो उन चीज़ों को फिल करने की। तो मेरी फ्रेंड का जो है वो बर्थडे है और जिसका नाम है अनमोल, एक आई थिंक सो बेस्ट है ये कि हाथों से बनाई गई जो चीज़ देना किसी को गिफ्ट की सूरत में, वो ज़्यादा जो है वो यू नो एक प्यार नज़र आता है। तो चलिए आप एक एक करके जो है वो बॉक्सेस में रखते जाते हैं। तो मैं ये अभी फ़िलहाल लेकर आई हूँ रोल्स और साथ जो है ये कोकोनट लड्डू। कोकोनट लड्डू जो है वो मेरे इस चैनल पर मौजूद है, उसका मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूँगी। तो अब आई थिंक सो कि ये छोटू वाला जो बॉक्स है इसमें हम लोग रखते हैं कोकोनट लड्डू। और बड़ी यू नो दिल से चीज़ बनाई है और मेरी फैमिली को मेंबर्स को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने सेकंड टाइम भी बनवाए थे। और अभी जो है मैंने अपनी फ्रेंड अनमोल के लिए जो है ये स्पेशल रेडी किया, बस उसको अल्लाह करे पसंद आ जाए। रोल जो है वो रखने के लिए ये बॉक्स ठीक रहेगा। तो ये तो है मेरा सैम्पल, ये तो उसको ऐड उसमें नहीं करूँगी इस बॉक्स में। तो अब वन बाई वन हम लोग ये करके रखते जाएंगे। उसने आज तक वैसे मेरे हाथों की कोई भी बनी चीज़ जो है वो टेस्ट नहीं की, तो मैंने कहा अब कुछ चीज़ें इकट्ठी इसको गिफ्ट की सूरत में दिया जाए, तो ताकि वो भी मेरी जो है ना थोड़ी बहुत तारीफ़ कर पाए, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बहुत नकम्मी हूँ। जी ये हमारे सारे आ गए रोल, इसमें आप इसको जो है वो बंद करते हैं बॉक्स को। इस बॉक्स में एक कटलेस रख देते हैं। इसके बाद जो है ये शीट रखूँगी ताकि इसके ऊपर जो है अगले कटलेस जो है वो आ सके। ये मैक्रोनी भी जो है ये बन के रेडी हो गई है। अब इसको भी जो है इस बॉक्स में जल्दी जल्दी से जो है वो डालेंगे और बॉक्स ये वाला भी रेडी कर लेंगे। ये बॉक्स भी हमारा जो है वो रेडी हो गया। अच्छा, इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो है ये रेडी हो चुकी हैं गिफ्ट में। और मुझे लग रहा है कि ये बास्केट जो है ये बहुत छोटी है तो बहुत मुश्किल है इसमें, लेकिन ट्राई करते हैं। तो लगता है मेरे से जो है यहाँ पे काम ही ख़राब हो गया कि बास्केट जो साइज़ है वो मुझसे छोटा आ गया, और जबकि बॉक्सेस जो हैं वो बहुत बड़े हैं। तो ट्राई करके देखते हैं इसमें कितने बॉक्सेस जो हैं वो ईज़िली आ पाएंगे। इसमें जगह तो बहुत कम है, इसमें अगर आए भी तो आई थिंक सो सिर्फ ये दो बॉक्सेस जो हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम। अभी मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये बास्केट आ गई है छोटी, तो इसके साथ आप मुझे ये जो है इसके लिए एक शॉपिंग बैग जो है वो लेना पड़ेगा, और शॉपिंग बैग में मुझे ये रखिए तो गिफ्ट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब आप जो है वो मेरी तरह ये गलती मत कीजिएगा, आप पहले बॉक्सेस लीजिएगा, उसके बाद बॉक्सेस जब भी बास्केट परचेस करने जाएं तो बॉक्सेस को अंदर रख के वहाँ पर ही प्रॉपरली जो है वो रख के, तो एक दफ़ा उसी शॉप पे चेक कर लें और उसके बाद जो है ताकि एग्जैक्ट जो है वो बास्केट जो है वो आ सके। लेकिन है यहाँ पर चलें एक आइडिया ही सही मेरी तरफ से कि इस तरह से आप जो है गिफ्ट बास्केट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, साथ मैंने बनाया था ये हैंडमेड जो है वो कार्ड, बर्थडे कार्ड, इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगी और इस तरह से ये हो जाएगी बास्केट रेडी। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी किया करें। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।